अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कॉमन मुश्ताक। वेलकम टू आवर चैनल आई टी जोन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैंड। आज मैं इस वीडियो में आपको लैंड के बारे में बताऊंगी कि लैंड के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और लैंड को कहां कहां यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड क्या होता है। बेसिकली लैंड स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए कहा जाता है जब कोई भी नेटवर्क एक मखसूस एरिया में जो नेटवर्क बनाया जाता है हम उसे लोकल एरिया का नाम देते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट ने नेटवर्क बनवाया है तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क की आम सी टाइप है जिसे कॉमनली जो है यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ ऑफिस में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स में इस्टेब्लिश किया जाता है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। इसमें एक कम से कम एरिया को कवर किया जाता है। इट यूजली कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है आपस में विद इन वन ऑफिस, किसी एक ऑफिस के लिए और अ बिल्डिंग या किसी एक बिल्डिंग में और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं। लैंड इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज। लैंड जो है वो रिसोर्सेज को शेयर करता है डिफरेंट डिवाइसेज में वन नोड टू अनदर नोड डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, जिस तरह से हमारे पास प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है। लैंड कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। लैंड जो है वो डाटा की ट्रांसमिशन करता है हाई स्पीड पर। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैंड आर टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps। डाटा को ट्रांसमिट करने की जो स्पीड है लैंड में वो 10 Mbps/s से 1000 Mbps/s है। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। लैंड नेटवर्क में डाटा की जो ट्रांसमिशन है टेलीफोन लाइन की निस्बत फास्टर है। लैंड कैन ट्रांसमिट डाटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। लैंड डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक लिमिटेड डिस्टेंस में। देर इज ऑल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डैट कैन बी अटैच टू लैंड। लैंड को यूज़ करते हुए जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह से हमारे पास डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड होता है, एक स्मॉल एरिया हम लैंड में यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो लैंड में यूज़ हो रहे होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल देखते हैं, नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज की कंप्यूटर लैब है जिसमें चंद कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। डैट मेक्स अ लैंड। अब हम देखते हैं डायग्राम लैंड नेटवर्क की। हमारे पास एक सर्वर है जिसके साथ चंद डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हैं जो एक लैंड नेटवर्क बना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। वन कॉपी ऑफ फोर सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स इन अ लैंड। सॉफ्टवेयर की एक कॉपी को तमाम यूज़र्स के साथ शेयर किया जा सकता है लैंड नेटवर्क को यूज़ करते हुए। जिस तरह से एक हमारे पास सर्वर है, सर्वर जो है उससे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं अदर डिवाइसेस, वो कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं वो उससे इजीली एक्सेस ले सकती हैं। एक सॉफ्टवेयर को सारे कंप्यूटर्स में इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स इन लैंड। सिस्टम के रिसोर्सेज को भी शेयर किया जाता है, जिस तरह से प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क हैं। इसी तरह से इसको मैनेज करना डाटा को वो भी इसमें इजी होता है, क्योंकि एक छोटा नेटवर्क जो है इजीली एस्टेब्लिश हो जाता है और उसको मैनेज करना भी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर नेटवर्क। डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, किसी किस्म का लॉस ना हो या कॉपी ना हो। डाटा कैन बी शेयर बाय ऑल यूज़र्स। डाटा को शेयर किया जाता है तमाम यूज़र्स में लैंड नेटवर्क को यूज़ करते हुए। आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।